आलू भरता सैंडविच बनाने के लिए मैंने लिया 6 स्लाइसेस व्हाइट ब्रेड के, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड यूज़ करें, 4 उबले हुए आलू, 8 से 10 करी पत्ते, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सेजवान चटनी मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच, आप चाहें तो इसकी जगह टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। हरी चटनी मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच, आप इसका वीडियो इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये कैसे बनता है। हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1/3 छोटा चम्मच, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार और तेल हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच। सबसे पहले हम इस उबले हुए आलू को या तो मैश कर लेंगे या फिर घिस लेंगे। मैंने इसे घिस लिया है। घिसने से आलू में बड़े टुकड़े नहीं रहते हैं और ये मैंने सारे आलू को घिस लिया है। ये देखिए, अब हम इसका भरता बनाएंगे। तो उसके लिए एक पैन गरम करें गैस ऑन करके, फिर तेल डाल दें। तेल को अच्छी तरह गरम होने देंगे पहले। अब हम इसमें डालेंगे ये करी पत्ते, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इन दोनों को हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे ये बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। यानी प्याज जब तक थोड़ा सा सुनहरा ना हो जाए तब तक उसे भूनते रहें। गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे मिक्स कर दें प्याज के साथ, और इसे कम से कम 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो निकल जाए। ये देखिए, गैस का फ्लेम लो कर दें और ये अदरक लहसुन जो है वो पक गया है तेल में। अब हम इसमें ये हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक डाल दें। आप चाहे तो नमक आलू को मैश करते वक्त भी डाल सकते हैं या फिर बाद में डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे नमक डाला है और ये नमक और हल्दी को मिला लिया मैंने। अब जो आलू हमने मैश करके रखा है या घिस के रखा है वो डाल दें। इसे मिला दें प्याज के साथ। अब इस आलू को हम लो फ्लेम पे 1 मिनट तक भूनेंगे, इसे लगातार चलाते रहें। ये देखिए, आलू जो है वो प्याज में अच्छी तरह मिल गया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और ये मैंने धनिया पत्ता डाल दिया। धनिया पत्ता डालने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो भरता है वो पैन में चिपके नहीं या जले नहीं। ये देखिए, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस धनिया पत्ता डालने के बाद हम इसे 1 ही मिनट पकाएंगे। अब ये जो हमारा आलू भरता है वो तैयार हो गया है। गैस को ऑफ कर दें और जितना सैंडविच के लिए ज़रूरत है उतना आप आलू भरता एक बाउल में निकाल लें। इस आलू भरते से आप मैक्सिमम 5 सैंडविच बना सकते हैं। मैंने 6 स्लाइसेस लिए हैं जिससे 3 सैंडविच बनेंगे, तो ये मैंने इतना भरता निकाल लिया। अब हम चलते हैं सैंडविच बनाने की तरफ। तो उसके लिए ये चटनी वगैरह मैंने रेडी रखा है। अब ब्रेड का एक स्लाइस लें और उसमें ये हरी चटनी लगा दें। हमने यहाँ पे 6 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, तो 3 में हम हरी चटनी लगाएंगे और 3 में सेजवान लगाएंगे। तो ये मैंने 1 में लगा दिया और इसी तरह 3 ब्रेड के 1 साइड में हम ये हरी चटनी लगा देंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम क्या करेंगे कि जिस पे हम चटनी लगाए हैं ठीक उसी पे हम ये आलू भरता लगा देंगे। आलू भरता की एक मोटी लेयर लगाएं और आप देख सकते हैं कि मैं इसमें आलू का भरता कैसे लगा रही हूँ। अगर आपको आलू कम पसंद है तो आलू भरता कम लगाएं। ये देखिए, और इसी तरह बाकी जो 2 हरी चटनी लगा हुआ ब्रेड है उस पे भी हम आलू का भरता लगा देंगे। और ये तीसरा, तो ये हमारा हरी चटनी और आलू का भरता मैंने 3 ब्रेड स्लाइसेस पे लगा दिए हैं। ये देखिए, और ये देखिए ये तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सिजवान चटनी है
उसे हम बचे हुए 3 ब्रेड के स्लाइसेस में एक साइड लगा देंगे। ये देखिए, आप इसकी जगह टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। सेजवान चटनी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए सजेस्ट करूंगी कि आप ये यूज़ करें। और ये मैंने तीनों ब्रेड में सेजवान चटनी के लेयर लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ब्रेड है सेजवान चटनी वाली, वो इसके ऊपर हम ऐसे प्लेस कर देंगे। तो ये एक स्लाइस ले और ये भरते के ऊपर बराबर में बैठा दें। दूसरा भी हम ऐसे ही बना लेंगे। तो आपने देखा कि ब्रेड के एक साइड हमने हरी चटनी लगाई और एक साइड सेजवान चटनी, और बीच में हमने आलू का बनाया हुआ भरता भरा है। तो ये हो गया है, अब हम इसे ग्रिल कर लेंगे। तो ग्रिल करने से पहले आप चाहें तो थोड़ा सा घी या बटर से इसके ऊपर और नीचे दो थोड़ा सा ग्रीस कर लें, ये ऑप्शनल है। अगर आपको घी पसंद है तो इसे घी या बटर से आप दोनों साइड से ऐसे थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे। उससे क्या होगा कि जब ये सैंडविच जो है वो ग्रिल होगा तो उसका कलर ऊपर से और अच्छा दिखेगा और टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आएगा। तो बस ये ग्रिल मशीन है, इसमें मैंने ये सैंडविच डाल दिया और इसे बंद करके हम ग्रिल होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, इसका टाइमिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। और ये अगर इससे ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ी देर और इसे ग्रिल करें। मैंने इसे बस इतना ही किया है, इसे सावधानी से निकालिए क्योंकि ये ग्रिल जो है वो बहुत गर्म होता है। और ये मैंने 2 सैंडविच निकाल लिया इसमें। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इसे ऐसे डायगनली कट कर लेंगे सैंडविच का लुक देने के लिए। तो इसे ऐसे काट लें। और आप देख सकते हैं कि ये सैंडविच में 3 कलर भी दिख रहे हैं। बस इसी तरह हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में निकाल लें और दूसरा सैंडविच भी हम ऐसे ही काट लेंगे। आप चाहें तो अगर आपके घर में आलू भरता बचा हुआ है तो उस आलू भरते से भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। ये देखिए, सर्व करने के लिए हम इसे एक प्लेट में सजा देंगे और टोमेटो केचप के साथ हम इसे सर्व करेंगे। आप ये सैंडविच अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बस उसमें मिर्ची कम यूज़ करें। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें।